गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैंने सोचा मेरा आजकल ये हो गया ना कि आप लोगों का वेलकम कहीं भी कर दे रही हूँ लापरवाही के मारे, कभी बीच में कभी इधर कभी उधर। बट मुझे ऐसा लगा अभी ये फील हुआ कि नहीं, वेलकम जो है ना वो स्टार्ट ही करना चाहिए, पहले ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही वेलकम मुझे आप लोगों का करना चाहिए। आप लोग मेरे सब कुछ हो यार, क्या बोल सकती हूँ। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो इतना तो बनता है ना। तो कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं पहले से ठीक हूँ, धनु भी पहले से थोड़े ठीक हैं। इनको स्कूल भेजना है अभी मंडे से, लेकिन अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मतलब रिकवर हो जाए उसके बाद। उससे ज़्यादा अभी धनु अभी अपने बाबा दादी के पास थे, बाबा दादी के सामने उधर लेटे हुए हैं। मम्मी अभी कहीं उठ के गई, और उस वाले रूम में तो निक्की है, पतिदेव जी ऑफिस हैं, और विकास जी हैं वो भी अभी ऑफिस के काम से कहीं गए। तो इन्होंने बोला मम्मा दूध चाहिए मुझे। तो मैंने बोला रुको जा रही थी, पहले तो बोलते थे ऊपर नीचे कहीं, अब तो ऊपर ही आ गया ना, जाओ जल्दी से लेके आओ। देखो इसका दिमाग, पता है आजकल नया क्या सीखे हैं। आजकल नया इन्होंने एक चीज़ सीख रखा है कि मुझे बहुत सारा पुच्ची देना है, कुछ बहुत सारे पुच्ची दे रहे हैं, है ना। क्यों? जब भी मुझे इन पर गुस्सा आ रहा है ना, कोई ऐसी हरकतें करे या बोले या कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आँख दिखाना चाहिए, डांटना चाहिए इनको। वाह मम्मा, मैं ना चाहता नहीं हूँ कि आपको कभी गुस्सा है, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। वाह, अभी से ये पूरी कोशिश है कि मुझे गुस्सा ना है। आज मुझसे पूछ रहे थे, एक क्ले लिया हुआ था उसको हार्ट जैसा बनाओ तो उसको ऐसे तोड़ के, है ना, कह रहे हैं क्या दिल टूट गया मम्मा हमारा दिल टूट गया है। ये कहाँ से सीख लिया? मुझे लग रहा फ़ोनों में सुना होगा दिल टूट गया ऐसा। तो मैंने बोला ऐसा थोड़ी ना दिल टूटता है, फिर कैसे थप थप चटकन मारने से दिल टूटता है। मैंने बोला नहीं बाबू, बातों से टूटता है। जब हम किसी को गलत बोलते हैं ना, उसको बुरा लगता है, तो उसके दिल पे चोट लगता है और दिल टूट जाता है। इसलिए हमें किसी को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, है ना धनु? इधर आओ, तो इधर आओ, एक मिनट के लिए, है ना। बस इतना ही बता दो कि मम्मा ने यही बताया ना आपको, है ना। देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो मम्मा ने यही बताया ना आपको कि दिल कैसे टूटता है। हाँ, अभी अभी मोडू में नहीं, अभी दूध पीना, जाओ पियो। तो अपना जाओ पी लो, और उसके बाद क्या बोल रही थी, हाँ मैंने यही इनको बताया। और बाकी जो आगे मैंने सुबह अभी जो भी काम किया हुआ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। किचन जब वो किया था तो सबसे पहले दूध गर्म हुआ था, आज कोई नया थोड़ी ना हुआ, बस शिफ्ट हुआ है यहाँ से वहाँ तक के लिए। अच्छा ये शुरू हो गया भैया, ठीक है भैया, थोड़ा धनवी को हक तो कर लो। आए मिला बेटा ले, कहाँ ला लो बताओ। बाबू उठा, आप कमजोर हो गए हो, गिर जाओगे। ऐसे ऐसे प्यार कर लो, नीचे रख के बाबू, नीचे रख के देखो वो पीछे। हाँ बेटा जान, लेकिन पता है भैया हाँ नहीं उठा पाएगा, दोनों जने गिर जाओगे। आप मेरे गोदी आ जाओ, मेरी गोदी। गीला कैसे है? एक पुच्ची दे दो, मैं खोल दूँ। रुक 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 बाबू, इधर धमी ये दिखा। चॉकलेट एक पुच्ची दो, एक पुच्ची दो, एक पुच्ची दो। आप मुझसे गुस्सा थे? सुनो भैया, भी आपसे गुस्सा थे, आप मुझसे गुस्सा थे, बोलो धनी, आप मुझसे गुस्सा थे? बोल नहीं रही थी, अपना करती ना फोन, वीडियो कॉल पे देख भी नहीं रही, ऐसे सब भूल जा रही थी। नहीं नहीं भैया, आपको खाने के लिए देगा, खाओगे? थैंक यू, बोलो थैंक यू। अब इन लोगों का थोड़ी देर ऐसे खूब प्यार होगा, और उसके बाद चलो
लड़की इधर बबनी के पास आओ, बबनी के पास, बबनी के पास आओ धनु, इधर धनु बबनी के पास, धनु बबनी के पास, बबनी के पास, बबनी के पास, बबनी के पास। ये कौन है? ये देखो जा, डर गई भैया, बेटा भैया धनु डरा दिया आपने। तो शादी में ठीक था, उसमें मैं नहीं खिलाती थी, ये बोलो उसमें थोड़ा सा तो मेरा हाथ था। हाँ अगर उस टाइम कमजोर होते तो कहा जाता बीबी आ गई थी, मुझे तो लग रहा है हम कुछ ज्यादा ही समझ गया है ना मम्मी सबका। चल चलो 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 आँख बंद करके चलना ठीक है। ये कब देख लिया था? अभी कहाँ, अभी तो सो के उठ रहे हो, उधर से आ रहे हो। मैं आ रहा हूँ ना, मम्मा ने सरप्राइज दिया था बिल्कुल नहीं हमसे। जाओ रख के जहाँ से लेके आए थे। आप यहाँ के दादी से बात करो, मम्मा तब तक आपको रोटी लेके आ रही है ना, दादी से अच्छी अच्छी बातें करो। क्या कर रहे हो अपना काम करो, अपना काम करो पहले। ठीक है धनी, ठीक है नहीं, 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 खेलो अच्छा है, खेलो ऐसे अब देखो अब आ रहे हो किस लिए धनी? बच्ची देखते देखते क्या करती है, देखते क्या। नो 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 नो, वीडियो बनाना कुछ और कह दिए। नो 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 बोलो, नो नो नो। अब रोना नहीं ठीक है, यहीं बैठे खेलो। ये अपने जीव भेजो, वे 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 ये भी भेजो, वे 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 अभी 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 कर सो, वे भी भेजो। ये देखो ये लो, मुझे भी ये बेटिया, ये येलो, येलो एक धनवी, एक धनवी, एक धनवी नहीं तो फोर धनवी, वन ओनली वन येलो, एक दे दो ये छोटी है, छोटी आप दे दो, आप खुद से दे दो, खुद देखो देख लिए, एक तो दे दो ना। नहीं मम्मा, अच्छा आप ले लो, आप उसका भी ले लो, जा दे। अब सारा धनवी का और सारा आपका है ना, दोनों तो एक बार धनवी के हाथ में, तो एक बार धनवी के हाथ में तो फिर दे देगी। लो धनवी, हाँ लो धनवी लो, मैं जो है ना क्या कर रही है, पूजा कर रही थी हाथ जोड़ के। ये क्या कर ले हो धनवी, क्या कर ले हो? आप
एक्चुअली मेरे मेकअप जो सारे सामान हैं सारे मिक्स हो गए हैं, इधर उधर हो गया है सब कुछ, तो सबको मैं क्लीन करके यहाँ पे रख रही हूँ और यहाँ पे मम्मी से बात भी कर रही हूँ। यहाँ सबके आने का, मम्मी के आने का सबका एक फ़ायदा होगा कि मैं बात करते करते भी अपना सारा काम मैनेज कर ले रही हूँ, मतलब जो भी काम इतने दिन से पड़े हुए थे सब काम बैठे बैठे कर रही हूँ। यहाँ पे मम्मी बगल में सोई हुई हैं, लेटी हुई हैं मतलब ऐसे, और मैं यहाँ पे सबको क्लीन कर करके रख रही हूँ। मेकअप का बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट पूछा है, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कौन कौन सा मेकअप कैसे यूज करती हूँ और कहाँ से लेती हूँ। वैसे भी पहले भी बहुत बार किया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। ये गांव का बहुत ही टेस्टी भूजा है, बताऊंगी नहीं किसने भेजा, जिसने भेजा है वो ब्लॉग अगर देख रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा। तो मम्मी पापा को ये बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी कभी कभार खा लेती हूँ। तो पापा जो ही मांगे दोपहर के बाद की बात है कि उसमें से देने के लिए, तो मैंने दिया। उसके बाद वो मुझसे तिल के लड्डू मांगे। ये आपको दे रही हूँ ना, ये बाबा को दे देना, ठीक है? बाबा को चाहिए तिल का लड्डू, खाएंगे अभी जा। हाँ बाबा खा लीजिए। मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मम्मा का भी वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं है। मम्मा तो सोने जा रहे थे तब तक ये कुरियर आया, तो मम्मा उठ गई है ना, तो मम्मा सोएंगी। थोड़ा पानी की बोतल पकड़ो तो मम्मा पानी पी ली, पत्थर पानी दो बस मम्मा पियेंगी। गए थे बाबा दादी, हाँ यहाँ छोड़े थे, अब यहीं छोड़ गए पापा। तो अब तो ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, जिसके पास उसके पास हो जाओगे, उधर समूचा जो पास भी सो जाओगे। गाइस आप लोगों को पता है ये कई दिन से अपने चाचू के पास होते थे, बबनी नहीं थी तो, है ना? फिर बबनी के बाद भी जिद कर रहे थे, कैसे आते चार लोग गिर ही जाते। सो मैं पानी पी के आया। ये शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। मुझे सारे बर्तन इधर उधर हुए पड़े, हर सामान ही इधर उधर हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब एक एक दिन करते करते सब कुछ इकट्ठा करते करते तब मैनेज होगा। तो यहाँ पे मैं कूट रही हूँ अदरक, क्योंकि अदरक कूटने वाला जो है हमारे पास इमामदस्ता, वो इधर उधर कहीं रखा गया है। जिसमें रखते वो तो सामने दिख रहा है, कूटने वाला नहीं मिल रहा था तो मैंने बेलन से ही कूट लिया और ये सही हो गया ना। पहले मैंने सोचा नहीं था, ये मम्मी का आइडिया था, दिमाग था कि ये जो बॉक्स है इसको ऐसे उठा के रख देते हैं, जो सेल्फ है इसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं तो नीचे बैठ के बनाने में फिर बहुत दिक्कत होता, फिर मैनेज भी करना बहुत मुश्किल हो जाता, फैल जाता है। तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, गर्मा गर्म चाय पियेंगे अदरक वाली। मुझे अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर शाम को बनाऊँगी मैं। थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ। यहाँ पे दूध लेने गई थी और उसके बाद बाबू के ये कपड़े जो कि बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो ये कुछ नहीं, अभी आगे देखने को मिलेगा आधा खुला हुआ। किसी ने बोला हुआ था कि 30 जोड़ी कपड़े रख के भूल गए थे, तो आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग देख लेना, इसमें 30 के आपको 60-70 जोड़ी दिखेंगे। 30 जोड़ी तो वो कपड़े जो मैं रख के भूल गई थी, तो इस बार मम्मी छांट के कि वो दे देंगी किसी को, क्योंकि बाबू में अब वो नहीं आएगा, एक दो साल पुराने कपड़े कहाँ से आएंगे। बच्चे जो बढ़ते हैं उनके कपड़े जल्दी छोटे होते हैं, तो इसलिए मम्मी ने बोला। और वूलन वाले जो कपड़े हैं वो एक अलग में पैक कर दूँगी और उसको बेड में या कहीं पर डाल दूँगी, अलमारी में है तो दिक्कत हो रहा है।
जब मैंने बोला था कि पिछली बार के कपड़े ना कि 30-35 जोड़े कपड़े थे, तो विश्वास नहीं हो रहा था कि 30-35 जोड़े कपड़े रख के मैं भूल गई हूँ। अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और आज हमारे घर बनेगा दाल चावल और एक स्पेशल सब्जी, वो होती है आई थिंक तरोई, तोरी नहीं तरोई, हमारे यहाँ तरोई झिगनी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो एक स्पेशल व्रत में यूज होता है, जो हमारे यहाँ जीतिया होता है ना उसके नहाए खाए वाले दिन जरूर यूज होता है, तो उसमें वो सब्ज़ी बनती है। बट उसका जो भुजिया है स्पेशल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आता, पहले नहीं आता था, बाद में मैंने सीखा था, लेकिन ये भुजिया बनाना भी मैंने गाँव के किसी से सीखा था कि इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी होता है। तो मैं उसके लिए यहाँ पर प्याज कट कर रही हूँ, और हमारे घर दोपहर में चावल बना था, दोपहर में क्या 2-3 बजे बना था, तो ये बच गए थे चावल, तो और थोड़े से बना लेंगे। और ये धनु आए यहाँ पे पानी पीने के लिए, आगे पीछे घूमते रहते हैं, और मैचिंग मैंने बोला मैं और आप मैचिंग है, तो कह रहे नहीं चाचू भी मैचिंग है, हम तीनों ने येलो पहन रखा था तो इसलिए बताया इन्होंने। कढ़ाई में मैंने डाला यहाँ पे कढ़ाई गर्म करके सरसों तेल, और प्याज कट कर लिया, हरी मिर्च कट कर लिया, उसके बाद लहसुन थोड़ा सा कूट के डाल लिया बस, उसके बाद ओनली हल्दी और नमक डालूंगी और ये सब्जी बन जाएगी। लेकिन पूरे प्रॉपर तरीके से कैसे बनाते हैं, किस तरीके से भून के भुजिया इसका, वो मैंने शॉर्ट में शेयर किया, कर दूंगी आगे, शायद इसके बाद जाए वो। एक और बात मैं आप लोगों को स्पेशल बता दूं, आप लोग की गलतफहमी क्यों हो जाती है, बार बार हम आपको बताते हैं कि हमारा किचन अलग नहीं हुआ है, हम एक साथ ही खाना बनाते हैं और अभी भी एक साथ बन रहा है, और इन फ्यूचर भी जब तक पॉसिबल होगा तब तक एक साथ बनेगा। हरी मिर्च लेने, कुछ एक दो सामान फ्रिज में रह गया है उसका निकाल लेती हूँ, ये निकल गया। जा तो पाएगा नहीं खास से। ये नीचे जो किचन था उसके ड्रॉर हैं, दो ही थे यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया ऊपर, और बाकी ढूंढा तो मम्मी ने बोला वो बाकी ऊपर रखोगे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है नेक्स्ट डे ला के लगा दूंगी, तो कुछ बर्तन जो इसमें आ जाएंगे सामने नहीं दिखेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ लगा रही थी। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच प्यारो सपोर्ट के लिए।